ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ठाणे की खबरों का। खबर डूंगरपुर के जौतरी से, जहां पर करावाड़ा कस्बे के बस स्टैंड के पास ट्रांसफार्मर में लंबे समय से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इससे यहां पर हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। इसके बावजूद संबंधित विभाग बेपरवाह है। झुंझुनू के नवलगढ़ में विशेष बच्चों की संस्था आशा का झरना के नेतृत्व में प्रदेश के 14 मानसिक दिव्यांग युवाओं ने अहमदाबाद हुए चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। संस्था सचिव ने बताया कि स्वयं की वकालत करना, अपने अधिकारों की पैरवी कैसे करें, विषय पर यह सम्मेलन हुआ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने देश भर से आए 200 से अधिक मानसिक बौद्धिक दिव्यांगों को विस्तार से जानकारी दी। झुंझुनू के उदयपुर पार्टी में ग्राम पंचायत चिराना के राजस्व गांव रामपुरा के कुछ ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर निर्माणाधीन मोबाइल टावर को आबादी क्षेत्र के बाहर लगवाने के लिए ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि वार्ड 3 में आबादी के बीच में एक मोबाइल कंपनी का टावर लगाया जा रहा है। झुंझुनू के पिलानी में एबीवीपी की बैठक जिला सह संयोजक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय आह्वान केरल चलो अभियान की तैयारियों और 19 नवंबर को होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर चर्चा की गई। झुंझुनू के खेतड़ी में केसीसी की सेंट्रल एकेडमी स्कूल में सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए विशेष कार्यक्रम हुआ। थानाधिकारी ने विद्यार्थियों को सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। तेज गति से वाहन चलाने, वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का प्रयोग करने के लिए अपने परिजनों, आस पड़ोस के लोगों को जागृत करने की बच्चों को शपथ दिलाई गई। टोक्यो उनियारा में कलेक्टर सूबे सिंह यादव ने पाएगा में जनसुनवाई की। यहां पर ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा शौचालय का रिकॉर्ड नहीं लाने पर लताड़ पिलाई गई। कलेक्टर ने ग्रामीणों को शौचालय बनाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की बिजली की समस्या पर भी समाधान हुआ। अब यहां पर नियमित सुबह 8 से 10 बजे तक 3 फेज बिजली मिलेगी। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में जल संरक्षण समिति के तत्वाधान में ग्राम पंचायत डींगवाला में पर्यावरण संरक्षण की उपयोगिता विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में पर्यावरणविद राजकुमार रंगा ने कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण की महती आवश्यकता पर प्रकाश डाला। समिति अध्यक्ष मनीष आहूजा ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए युवा वर्ग को प्रयास करने का आह्वान किया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में चल रहे योग शिविर का समापन हुआ। साधकों को मोहनलाल वर्मा द्वारा विभिन्न योग क्रियाएं करवाई गई। समापन पर हवन किया गया। हवन के उपरांत समिति पदाधिकारियों द्वारा शाला प्रांगण में पौधरोपण किया गया। हनुमानगढ़ की संगरिया में बीती रात धामा चौक के पास बाइक अनियंत्रित हो जाने से चालक घायल हो गया। घायल को संगरिया के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। हनुमानगढ़ के भादरा में निकटवर्ती गांव गांधीबड़ी के ग्रामीणों ने गांधी हेड से लेकर मटीरी हेड तक नहर के दोनों तरफ क्षतिग्रस्त गड्ढे नुमा रास्ते पर सड़क निर्माण करवाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांधी हेड से लेकर मटीली हेड तक नहर के दोनों तरफ का रास्ता इतना अधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है कि रास्ते पर से आवागमन करना खतरे से खाली नहीं है। हनुमानगढ़ की टिब्बी में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय संस्था के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि बीकानेर की ब्रह्म कुमारी कमल बहन, राजगढ़ की शोभा बहन, फतेहपुर शेखावाटी की सुनीता बहन, विजयनगर की वर्षा बहन, रावतसर की नीलिमा बहन ने रामदेव मंदिर के पास बने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण रिबन काटकर किया। हनुमानगढ़ के नोहर में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी कल एक दिवसीय दौरे पर पहुंची। उन्होंने यहां पर कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान माहेश्वरी ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने बताया कि कॉलेजों में व्याख्याताओं की कमी को देखते हुए सरकार ने 1200 से अधिक व्याख्याताओं की भर्ती की है। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में लगातार बढ़ रहे मच्छरों डेंगू के प्रकोप की रोकथाम के लिए सभी 25 वार्ड्स में एमएलओ डीडीटी का छिड़काव करवाने की मांग करते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष ने कलेक्टर को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के मुताबिक कस्बे में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से कस्बे में डेंगू अन्य मच्छरों से पैदा होने वाले रोगों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी समय रहते रोकथाम नहीं की गई तो कस्बे में महामारी फैल जाएगी। जालों के आहोर में नोसरा बांध से रबी की फसलों की सिंचाई के लिए छोड़े जाने वाला पानी बावड़ी कमांड क्षेत्र के खेतों तक नहीं पहुंच पाने से किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। किसानों ने महंगे दामों पर खेतों की जुताई करवाने के साथ ही बीज और खाद खरीदे थे, वहीं पानी के खेतों तक नहीं पहुंचने से सिंचाई बाधित हो रही है। जालौर के भीनमाल कस्बे के बीच बना जाकोबा तालाब में नगर पालिका ने सफाई तो करवाई, मगर गंदे पानी को तालाब में ही छोड़ दिया गया। इस पर लोगों ने इस गंदे पानी को तालाब के बजाय कहीं और छोड़ने की मांग की है।
जालौर के जसंतपुरा में रामसिंह गांव के ग्रामीणों की मांग पर रोडवेज ने सायंकालीन बस सेवा सूरत के लिए शुरू की। इस बस सेवा के शुरू होने से इस रूट के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। जालौर के जसंतपुरा क्षेत्र में बिना किसी लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण मंडल से प्रमाण पत्र के ईंट भट्टे धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। इन ईंट भट्टों से निकलने वाले काफी मात्रा में धुएं से वायु प्रदूषण फैल रहा है। जालौर के सांचौर में झाब थाना क्षेत्र की एक महिला ने एसडीएम सांचौर को ज्ञापन देकर मांग की है कि गत 31 जुलाई को उसके पति खंगारा राम पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित महिला ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। जालौर की चितलवाना में विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आशा सहयोगिनी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार पीताम्बर दास राठी को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि उन्हें नियमित कर्मचारी बनाया जाए और उसकी प्रक्रिया पूरी होने तक मानदेय 15,000 देने और सर्दियों गर्मियों के अवकाश में सवैतनिक अवकाश देने की मांग की है। कोटा के खैराबाद में सुकेत कस्बे में डेंगू का कहर जारी है। यहां एक ही परिवार के 5 लोगों को डेंगू हो गया। कोटा के निजी अस्पतालों में कस्बे के दर्जनों लोगों का उपचार जारी है, फिर भी चिकित्सा विभाग कस्बे की सुध नहीं ले रहा। अजमेर के मसूदा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और मुरैना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्कूली छात्रों द्वारा रैली का आयोजन किया गया। मसूदा में ये रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी, जिसमें छात्र छात्राएं नारे लगाते हुए चल रहे थे। स्कूल प्रधानाचार्य सीताराम शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। बारा के अंता बटावदा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने प्रथम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच की मांग के लिए अंता उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाएं सही प्रकार से जांच नहीं की गई है और कई छात्रों के अनेक विषयों में 0 नंबर दिए गए हैं। ये एक जांच का विषय है। अजमेर के विजयनगर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा खंड मसूदा के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक अजमेर को एक ज्ञापन भेजा और दुर्गा सिंह हत्याकांड मामले में निर्दोष पुलिसकर्मियों को बहाल कराने की मांग की। अजमेर के भिनाय में प्राधिकरण की ओर से 4 लेन से 6 लेन परिवर्तन को लेकर टोल प्लाजा बांधनवाड़ा पर आज से टोल वसूली शुरू की। बदादी की आधी अधूरी तैयारियों में टोल वसूली आनंद फानंद में शुरू की गई। किशनगढ़ से उदयपुर तक 6 लेन बनेगा। अजमेर के विजयनगर में राजस्थान पेंशनर समाज शाखा विजयनगर का दीपावली स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। जिला स्तर व शाखा स्तर पर 18 पेंशनर्स का सम्मान करने का निर्णय किया गया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में सर्दी का उतार नहीं बढ़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। रबी की फसलों की बुवाई में देरी हो रही है। वहीं दीपावली गुजरने के 15 रोज बाद भी मौसम में कोई बदलाव नहीं आया है। दीपावली पर्व के साथ ही हर साल सर्दी शुरू हो जाती है। वहीं किसानों को कड़ाके की ठंड का इंतजार है। मौसम में गर्माहट कम ही नहीं हो रही है। दौसा के बांदीकुई में सरकार स्वच्छ भारत योजना को लेकर आमजन पर घरों में शौचालयों के निर्माण को लेकर आए दिन नए नए फरमान जारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर तहसील कार्यालय बसवा में बने शौचालयों के हाल बेहाल है। ये शौचालय गंदगी से अटे पड़े हैं, कई तो कबाड़ का रूप धारण कर चुके हैं। दौसा के लालसोट में राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ उपशाखा की बैठक में कर्मचारी नेताओं ने सरकार की ओर से 7वें वेतन आयोग की घोषणा को कर्मचारी संगठनों के साथ धोखा बताया। दौसा के सीकराय में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल भींदरवाड़ा में साइकिल वितरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कक्षा 9 के 90 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस दौरान छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। चलिए खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का।
खबर टोंक के उनियारा से, जहां पर कस्बे में गंदा पानी आने पर उपभोक्ताओं ने एसडीएम कैलाश चंद गुर्जर को ज्ञापन दिया और जलदाय विभाग के विरुद्ध नाराजगी जताई। यहां लोगों को बीसलपुर का पानी नहीं मिल रहा है। वहीं चामुंडा माता मंदिर मार्ग और नैनवा रोड पर लीकेज पाइप के बाद गड्ढे में भरा पानी वापस पाइपलाइन में चला जाता है। टोंकी उनियारा में कृषि उपज मंडी में किसानों ने बड़ा हंगामा किया। किसानों ने समर्थन मूल्य में कृषि जींस नहीं तोड़ने पर नाराजगी जताई। साथ ही गुणवत्ता अधिकारी को बदलने से 4.5 घंटे तुलाई नहीं हो सकी। किसानों के हंगामे की सूचना पर तहसीलदार आमोद कुमार माथुर और उनियारा पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश की कोशिश की गई। हनुमानगढ़ के संगरिया में बाबा लखदाता पीर साहिब पीर हजरत जैन खां का सैतीत पर शुभ सालाने दीवान 2 नवंबर को रात्रि 8 बजे अग्रवाल पीर खाना में सजेगा। समिति सदस्यों ने बताया कि समिति की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। पीरखाना में दीवान को लेकर आकर्षण रंग रोगन और सजावट की जा रही है। हनुमानगढ़ के भादरा में गांव महराना की एक नाबालिग लड़की ने हरियाणा के बन्नावाली गांव के 2 युवकों के खिलाफ घर में जबरदस्ती दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि 24 अक्टूबर की रात बन्नावाली निवासी राजेश और राममूर्ति मेघवाल ने रात्रि करीब 11:30 बजे मोबाइल पर कॉल कर उसे घर से बाहर बुलाया। घर से बाहर आने पर दोनों युवक उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर हिसार से दिल्ली ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। हनुमानगढ़ के रावतसर में ओलंपिक 2017 के तहत खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में हुआ। यहां खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, 100 मीटर, 800 मीटर दौड़, टेबल टेनिस, ऊंची कूद, गोला फेंक, लंबी कूद, भाला फेंक आदि के 1774 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हनुमानगढ़ के नोहर उपखंड कार्यालय के सामने किसान सभा के आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान कामरेड बलवान पुनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री फसली बीमा के नाम पर प्रचार प्रसार विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, किंतु किसानों के फसली बीमा का भुगतान आज तक नहीं किया जा रहा है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में गांव सिलवाला खुर्द की बेटियों ने सिरोही में हुई 62वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के सीनियर महिला वर्ग में स्टेट चैंपियन बनकर जिले का नाम रोशन किया। 25 से 29 अक्टूबर तक सिरोही में आयोजित फेडरेशन वॉलीबॉल सीनियर महिला वर्ग में सिलवाला खुर्द की बेटियों ने जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए सीकर टीम की टीम को 3-0 से पराजित किया। डूंगरपुर के जौत्री में क्षेत्र के विद्यालयों में सरदार पटेल जयंती मनाई गई। इस दौरान देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया गया। इस दौरान जयंती पर छात्रों ने विद्यालयों में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा कस्बे में डेंगू का प्रकोप बदस्तूर जारी है। कस्बे के विभिन्न निजी अस्पतालों सहित अनेक डेंगू रोगी हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के अस्पतालों में डेंगू का इलाज करवा रहे हैं। वर्तमान में कस्बे के 25 वार्ड्स के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू पैर पसार चुका है, लेकिन चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर गंभीर नहीं है। सवाईमाधोपुर के बौली में आयोजित होने वाले विशेष योग्यजन शिविर में प्रभारी सचिव अपर्णा अरोड़ा ने शिरकत की। इस दौरान सीएमएचओ ने सीएचसी प्रभारी को विशेष योग्यजन शिविर में अधिक से अधिक लोगों को लाने और उनके प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में भारतीय स्टेट बैंक चेस ब्रांच के कैश काउंटर पर करीब 1 उखाड़े से चालान द्वारा राशि सरकारी राजस्व में जमा नहीं की जा रही है। इस संबंध में स्टाम्प वेंडर आबकारी ठेकेदारों ने बैंक के उच्च अधिकारियों कलेक्टर को पत्र भेजकर समस्या समाधान कराए जाने की मांग की है। दौसा के बांदीकुई में बरसात खत्म होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में बिगड़ी सड़कों की दशा को सुधारने के लिए पीडब्ल्यूडी में सड़क मरम्मत कार्य चलाया, लेकिन ये कार्य लीपापोती बनकर ही रह गया। पीडब्ल्यूडी ने क्षेत्र में कहीं सड़कों की मरम्मत करा दी तो कहीं गड्ढे छोड़ दिए, कहीं तो गड्ढों में रोडियां तो डाल दी लेकिन उनका डामरीकरण नहीं किया गया। अजमेर के पुष्कर में पंचतीर्थ महास्नान आज से शुरू हो गया, जिसके चलते अल सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। इसी के साथ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। जैसलमेर के फतेहगढ़ में दलित और आदिवासी विकास परिषद समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया। जोधपुर संभाग प्रभारी मोहनलाल पारखी ने कार्यकारिणी गठित कर पदाधिकारियों की घोषणा की। झालावाड़ के पिड़ावा में कांग्रेस सेवा दल ने ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई और अस्पताल में मरीजों को दूध और फल वितरित किए। इस मौके पर कांग्रेस नगर और ग्रामीण के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर के भिनाई में थानाधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत ने हाईवे पर लूट और डकैत गिरोह के चौथे आरोपी गजराज उर्फ बल्लू कंजर को राजमहल गांव से गिरफ्तार किया। जालौर के भीनमाल में शहर के जाकोब तालाब में जमीकाई और गंदगी से फैली बदबू के कारण आसपास रहने वाले लोगों का जीना बेहाल हो गया है। जालौर के आहोर में ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा कर्मियों का टोटा होने से के कारण चिकित्सा सेवा बदहाल नजर आ रही है। वहीं अधिकांश गांवों में एएनएम के पद रिक्त होने से गर्भवती महिलाओं को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पिछले 5 महीने से सुलभ शौचालय की सफाई नहीं होने से बदबू मार रहा है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और विकास अधिकारी को शिकायत के बाद भी हालात जस के तस है। छलावाड़ के खानपुर में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
घटना लीचवा क्षेत्र के बड़बड़ टिटोरिया गांव की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालौर के जसंतपुरा में कस्बे में बना सुरक्षा शौचालय फिलहाल शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। भरतपुर के हलेना में एक पागल कुत्ते ने यहां के 15 लोगों को काट लिया, जिसमें से सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। दौसा के महवा में इंदिरा गांधी की 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस प्रदेश सचिव महेंद्र पिलोड़ी और पंत अशोक भंडपुरा एवं कार्यकर्ताओं ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दौसा के महवा में आपके द्वार कार्यक्रम के तहत भाजपा आईटी सेल के जिला सह संयोजक किशन सिंह नरूपा के निवास पर जनसुनवाई हुई। सांसद ने कहा कि मैं राजनीति में जनता की सेवा के लिए आया हूं, क्षेत्र की जनता के काम के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, गांव व गरीब किसान का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। दौसा के लालसोट में रामगढ़ पचवारा ग्राम में भाजपा मंडल उपशाखा रामगढ़ पचवारा की बैठक पूर्व मंत्री वीरेंद्र मीणा के मुख्य आतिथ्य में हुई। पूर्व मंत्री वीरेंद्र मीणा ने कहा कि कबड्डी प्रतियोगिता में अधिक से अधिक कार्यकर्ता भाग ले। करौली के इंडौन सिटी में सदर थाना पुलिस ने 6 साल से हत्या के मामले में फरार चले आरोपी को गिरफ्तार किया। 2011 में जमीन के विवाद को लेकर चुरारी गांव में कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर गांव के ही फतेह सिंह की हत्या कर दी थी। करौली के टोड़ा भी में उपखंड के गांव भनकपुरा में 2 महीने पहले स्कूल में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी गए सामान को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक मुनिराज को टोड़ा भीम कस्बे से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया था। झालावाड़ के भवानी मंडी में महिला को जलाकर मारने वाले कातिल आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने 22 अक्टूबर को घर पर खाना बनाने के दौरान महिला पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। चलिए खबर पंचायत में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार। We'll be right back.